नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे पहले दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास और बड़ी खबरों की। दिल्ली आप पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए सुबह अमानतुल्ला खान के घर पहुंची ईडी की टीम। पुणे में एनसीपी नेता पर 5 राउंड फायरिंग से हुई मौत, पुलिस का कहना वर्चस्व, विवाद के चलते की गई हत्या। माता वैष्णो देवी के रास्ते में हुआ लैंडस्लाइड, 3 श्रद्धालु हुए गंभीर जख्मी। तो वहीं आंध्र प्रदेश तेलंगाना में बाढ़ से 19 लोगों की हुई मौत, एनडीआरएफ की टीम की गई तैनात। अभी नहीं खुलेगा शंभू बॉर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने बनाई कमेटी, ये ट्रैक्टर हटाने के लिए किसानों से बात करेगी, कहा मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं हो। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, गोलीबारी में हुई 2 लोगों की मौत, 9 लोग घायल, पुलिस का दावा उग्रवादियों ने ड्रोन से बम गिराए। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के पीए विभव को दी जमानत, स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में किए गए थे गिरफ्तार। बात करें सोने चांदी के भाव की, तो चांदी 2643 रुपए गिरकर 82,376 रुपए प्रति किलो पर आई, तो सोना 521 रुपए गिरावट के साथ 71,437 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा के पूर्व राजस्व एवं सहकारिता मंत्री सतपाल सागवान के बेटे सुनील सागवान अब उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे। भोंडसी गुरुग्राम जेल अधीक्षक के पद पर कार्यरत सुनील सागवान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सरकारी सेवाओं से बीआरएस सेवानिवृत्ति लेने के लिए गृह व जेल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को पत्र भेजा है। उनका इस्तीफा जल्द ही मंजूर होने की उम्मीद है। जेल विभाग में 22.5 साल की सेवाओं के बाद सुनील सागवान अपने पिता की तरह ही राजनीति में ज्वाइन कर चुके हैं। सुनील सागवान भाजपा में शामिल हुए, उनको हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और विप्लव देव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। हरियाणा के टोहाना से निवर्तमान विधायक एवं पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली सोमवार सुबह दिल्ली में भाजपा कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। दरअसल कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनावों में देवेंद्र बबली टोहाना से भाजपा के उम्मीदवार हो सकते हैं। आपको बता दें कि हालांकि भाजपा के राज्यसभा सांसद एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने ऐसी कोई जानकारी होने से स्पष्ट इनकार किया है, वहीं माना जा रहा है कि देवेंद्र बबली के भाजपा में शामिल होने के रास्ते को केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साफ किया है। बताते चले कि हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और विप्लव देव ने देवेंद्र बबली को बीजेपी का पटका पहनाकर भाजपा में ज्वाइनिंग कराया है। आपको ये भी बताते चले कि देवेंद्र बबली कुछ दिन पहले तक कांग्रेस से टिकट के लिए कुमारी शैलजा एवं कांग्रेस मुख्यालय में देखे गए थे, लेकिन कांग्रेस प्रभारी द्वारा 2 टूक जवाब देने से वो काफी खिन्न हो गए थे। इसके बाद से ही वो भाजपा नेताओं के संपर्क में थे। वहीं भाजपा द्वारा कांग्रेस पर करीब 24,000 युवाओं के भर्ती रिजल्ट लटकाने के आरोप लगाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी सरकार का विजन स्पष्ट किया है। दरअसल उन्होंने भरोसा दिलाया कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनते ही पुलिस ग्रुप डी और सीआईटी के सभी ग्रुप समेत तमाम लटकी हुई भर्तियों को तत्परता के साथ पूरा किया जाएगा। आपको बता दें कि हुड्डा ने कांग्रेस की सरकार बनते ही 1 लाख नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू करने का दावा करते हुए कहा कि चयनित युवाओं को तुरंत प्रभाव से ज्वाइनिंग दी जाएगी। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर करीब 24,000 भर्तियों के रिजल्ट रुकवाने का आरोप लगाया था। नायब सैनी ने कहा था कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश इन रिजल्ट घोषित करने के विरुद्ध केंद्रीय चुनाव आयोग पहुंचे थे। तो वही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली में अपने आवास पर मिलने आए युवाओं से बातचीत में कहा कि बीजेपी की लेट लतीफी और घोटालों से युवा निराश ना हो, वे पेपर के लिए अपनी तैयारियों को जारी रखें। प्रदेश में जल्द ही कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और कांग्रेस मौजूदा सरकार की लटकी पड़ी तमाम भर्तियों को बिना किसी देरी से पूरा करेगी। साथ ही भरोसा दिलाया कि कांग्रेस सरकार बनते ही 1 लाख नई भर्तियों की प्रक्रिया को तुरंत प्रभाव से शुरू कर दिया जाएगा। हरियाणा में जेजेपी पार्टी आजकल में विधानसभा प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। इसको लेकर सिरसा के बरवाला रोड पर पार्टी की अहम बैठक चल रही है।
आपको बता दें कि इस बैठक में जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला सहित पीएसी और सलाहकार समिति के सदस्य मौजूद हैं। वही बैठक के दौरान पार्टी घोषणा पत्र के बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी और साथ ही प्रदेश में सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा की जाएगी। दरअसल इस बैठक के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि जसपा की ओर से पार्टी प्रत्याशियों की सूची जारी हो सकती है, जहां पहली बैठक में 15 से 20 उम्मीदवारों की सूची आने की संभावना है। हालांकि कुछ सीटों पर प्रत्याशियों के चयन को लेकर दिक्कतें आ रही हैं। इन सीटों पर भी चर्चा की जाएगी कि कौन सा जिताऊ कैंडिडेट कहाँ से खड़ा किया जा सकता है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले पार्टी की ओर से प्रमुख नेताओं के नाम जारी किए गए थे कि कौन कहां से लड़ेगा। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला अपनी निवर्तमान विधानसभा सीट उचाना से ही चुनाव लड़ेंगे। उनके भाई जसपा के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला डबवाली सीट पर ताल ठोकेंगे, तो दुष्यंत और दिग्विजय की माता नैना चौटाला चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।